भैया बात एक चीज बिग बॉस देखते हैं क्या बिल्कुल देखते देखते हैं। हैं? कितना जब भी टाइम मिल पाता है ऐसे तो आपको पता ही है कि जो हम लोग का जीवन है अस्त व्यस्त चलता है लेकिन फिर भी सारे चीज़ों में हम थोड़ा रुचि रखते हैं बिग बॉस भी देखते हैं तो आपको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री के एक खूबसूरत अदाकार जिनको साथ आपने भी काम किया है अक्षरा सिंह जी जा रहे हैं और फिर से बता रहे हैं कि ये भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अक्षरा जी जा रही हैं बिग बॉस में और हमारा शुभकामना है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से शुभकामना है कि आप जाइए और विजयी बनकर आइए वहाँ क्या लगता है कि एक अगले साल आप भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी किया जाए या फिर कुछ ऐसा कहते हैं ना गाना में एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाए कि कल अगला सीजन आपके नाम देखिए क्या है आपको बता रहे हैं कलाकार का जो जीवन होता है ना कोई फिक्स नहीं होता है मुझे जो लगता है जिस हिसाब से पब्लिक का प्यार एक कलाकार को मिलता है उसके हिसाब से सारे रास्ता खुलते जाते हैं और सारे चीज़ बनते जाते हैं तो मैंने हम लोग गाना गाना स्टार्ट किए फिर ये नहीं पता था कि अंकुश राजा का कोई गाना 400 मिलियन जाएगा 300 मिलियन जाएगा लाखों दीवाने गाएँ तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बन जाएगा तो क्या होता है कि जब भी किसी भी कलाकार को प्यार जब आशीर्वाद मिलने लगता है दर्शक को तो उसके हिसाब से सारे रास्ते खुलते जाते हैं और बन जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि अगले मतलब जितना भी ऊंचाइया होता है, सब उसके दर्शक पे करता है। जी। तो, मतलब मना भी नहीं कर रहे और रहा भी नहीं कर रहे हैं अब हमारे जो दर्शक है हमारे जो भैया लोग बा हमारा के जहाँ देखल चाहे लोग अब वहां के लागे कि अंकुश राजा भी बिग बॉस में एंट्री के अंकुश राजा के भी तो हम प्रयास करें भी जा करके और आपन अच्छा से अच्छा वर्क करके आए बस कोशिश रही हर वक्त लास्ट आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन कौन सी आने वाली फिल्में नजर बदले की आग लव यू सनम आपको पता ही है तो बैक टू बैक फिल्में हैं जो कि और भी फिल्में अभी लाइन में है जो कि अभी शूट होने वाला है तो बस हम अपना दर्शक से ये कहब कि हमने दोनों भाई पे अपना आशीर्वाद बनल रखी राजा भैया नहीं खन और ये जो हमारे बड़े बहन निजू जी हैं ये हमको अक्सर पकड़ लेते हैं अकेले में ही लव यू सनम के भी सेट पे पकड़ लिए थे और आज फिर पटना में भी पकड़ लिए तो हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग जब दोनों लोग साथ में हो जाएंगे फिर एक एक, एक आप इंटरव्यू जरूर लीजिएगा के पास हम लोग चलेंगे साथ में लास्ट मैसेज आप अपने फैंस के लिए अपने अंदाज में गायकी के अंदाज में क्या मैसेज बस करते हैं आपसे हम अपन दर्शक लोग से आपन पब्लिक से ये कहब कि आप लोग जौन प्यार आशीर्वाद हमने ऊपर बनौले बाने जोना तरीक़ा से दे बा नहीं हमारा लगता था कि आ, हमने के जब से गावे स्टार्ट करने जा तब से आप सबके प्यार भरपूर मिला था लेकिन 2016-17 से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के अंकुश राजा के प्यार मिला था तो बस ये कह कि आप सब ये प्यार आशीर्वाद हमने दोनों भाई पे सदैव बनैल रखें के हम आप सब से विश्वास के साथ कहता नहीं कि हम और भी मेहनत करब आप सब के कि दिल के छुई कुछ गुदगुदा पाई और हर वो प्रयास करब जो आप सब खूब इंटरटेन करी